जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में, हम आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित माछली सेक्टर में भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन जारी है। सेना के सूत्रों ने जानकारी दी कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथ माछली में जारी मुठभेड़ में एक कैप्टन और दो जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया है। दरअसल यहां सीमा पार से कुछ आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, सुरक्षा बलों ने इन्हें रोक लिया। बीएसएफ के जारी बयान के अनुसार 7 से 8 नवंबर की रात करीबन 159वीं बटालियन गश्त कर रही थी। इस गश्त के दौरान माछली सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कुछ घुसपैठियों की हलचल देखी गई। बीएसएफ के जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की गोलियों में एक आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि बाकी के कुछ आतंकी वहां पहाड़ियों में छिपने में कामयाब रहे। दोस्तों शहीद हुए इन जवानों के लिए हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जबलपुर ने पुरानी 130 mm सारंग तोप को उन्नत यानी कि अपग्रेड कर 155 mm का बनाकर हाल ही में सेना के हवाले किया है। अब रक्षा मंत्रालय ने सेना की इससे जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को निर्देश दिए हैं। उन्नत सारंग तोप में 28 की बजाय 38 किलोमीटर की अचूक मारक क्षमता है, इसीलिए सेना ने ये तोप लद्दाख की घाटी में तैनात करके देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 1.5 साल पहले पुरानी तोपों को अपग्रेड करने की जवाबदारी गन गैराज फैक्ट्री GCF और VFJ को दी थी। इसके बाद इन दोनों ने ही पुरानी तोपों के सभी कलपुर्जों को खोलकर और उनके बैरल को बदलकर उसे और उन्नत करने का काम शुरू किया। अगली खबर CDS जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि चीन से युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बुलाई गई 8वें दौर की बैठक बेनतीजा निकली और खत्म हो गई, वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मानते हैं कि चीन से खतरे को देखते हुए ड्रैगन से युद्ध की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और चीन के बीच वार्ता चल रही थी। जनरल रावत ने यह भी कहा कि बीते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर काफी तनाव व्याप्त है, ऐसे में अभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। उनके मुताबिक जैसे हालात चीन ने सीमा पर पैदा किए हैं उनसे हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और दोनों पक्षों में संघर्ष भी हो सकता है। दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि चुशुल में चीन और भारतीय सेना के बीच जो 8वें स्तर की वार्ता हुई उसे लेकर जो बयान सामने आया है वो भी आपको देखना जरूरी है। दरअसल इस मीटिंग में सिर्फ यही हुआ है कि सीमावर्ती सैनिकों को संयम बरतने और गलतफहमी से बचने की कोशिश करनी होगी और जल्द ही अगले दौर की बैठक होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति का ईमानदारी से पालन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों CDS जनरल विपिन रावत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि युद्ध के हालातों से और युद्ध होने की संभावना से दरकिनार नहीं रहा जा सकता और ये हो सकता है, और ऐसे में दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है और काफी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में भले ही मीटिंग दोनों देशों के बीच चल रही है लेकिन कब हालात बिगड़ जाए इसे कोई नहीं समझ सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि अमेरिका को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता चल चुका है कि जॉन बाइडेन अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे और ऐसे में बाइडेन अपने कार्यबल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय मूल के विवेक मूर्ति सह अध्यक्ष बन सकते हैं। मूल रूप से कर्नाटक से संबंध रखने वाले विवेक मूर्ति, जो कि 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के 19वें सर्जन जनरल नियुक्त किए गए थे, उन्हें दोबारा बाइडेन अपने कार्यबल में शामिल कर सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उन्हें हटा दिया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि पूर्व सर्जन जनरल डॉक्टर मूर्ति और डेविड केलेसर कार्यबल में सह अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। यही दोस्तों अमेरिका पर भारत का काफी प्रभाव है। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी इन चुनाव में जीत हासिल कर एक इतिहास रच दिया है। वे पहली ऐसी महिला है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद को संभालेंगी और यह हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है कि भारतीय मूल की एक महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। चीन जो अपने हथियारों के दम को दुनिया भर में दिखाने की कोशिश करता है, उसके हथियार कितने विश्वसनीय है ये बात तो आपने हाल ही में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को देखकर जान ली होगी। लेकिन केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश हैं जो कि चीन के हथियारों को लेकर अपना सर दीवार पर मार रहे हैं। बांग्लादेश ने चीन से $100 मिलियन में 1970 के युग के मिंग क्लास टाइप 035G पनडुब्बियां हासिल की थी, लेकिन जिन्हें तकनीकी मुद्दों के कारण अयोग्य साबित कर दिया गया था। यही नहीं 2020 में बांग्लादेश को बीजिंग से 2 053S3 फ्रिगेट भी मिली है, लेकिन इनके गैर कामकाजी नेविगेशन रडार और गन सिस्टम जैसे मुद्दों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। वहीं म्यांमार की भी बात करते हैं तो म्यांमार ने चीन के द्वारा भेजे गए उपकरणों की गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं भारत ने अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी को म्यांमार को सौंपा। वहीं नेपाल की कहानी भी अलग नहीं है।
नेपाल जो कि चीन से 6 Y-12E और MA-60 विमान अपनी एयरलाइंस के लिए खरीद रहा है, लेकिन उसके इस्तेमाल के सभी दावे अभी भी विश्वसनीय नहीं है और इस तरीके के विमानों को पहले ही बांग्लादेश ने अस्वीकार कर दिया था। उत्तरी अफ्रीका देश अल्जीरिया ने चीन से CH-4 UCAV ड्रोनों को खरीदा, लेकिन इनके कई हादसे हुए। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान के साथ भी धोखा कर रखा है। हथियारों के मामले में पाकिस्तानी नौसेना और सेना दोनों के बीच उन्हें जो सामान मिला उन सब में कई तकनीकी मुद्दे हैं जिनसे पाकिस्तानी काफी पीड़ित है। पाकिस्तानी नौसेना ने चीनी निर्मित F-22P फ्रिगेट को अपग्रेड किया, लेकिन वो तकनीकी खराबी से घिरे हैं और पाकिस्तानी सेना को चीन से मोबाइल मिसाइल प्रणाली LY-80 LOMADS की जो 9 प्रणालियां मिली हैं उनमें से 3 में तकनीकी मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि चीन का माल क्या है। ये चीनी खिलौने ही हैं जिसका व्यापार चीन कर रहा है रक्षा के क्षेत्र में, और अब यहाँ पर बाजी मार सकता है भारत, क्योंकि भारत तकनीकी रूप से सशक्त है और भारत की जो हथियार हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है, और ऐसे में अब ये सभी देश भारत की तरफ अपना रुख कर सकते हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अवसर है जिसका भारत को सही समय पर इसे पहचान कर इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आखिर पाकिस्तान खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान को इमरान खान की सरकार के द्वारा गलत ढंग से अंतिम प्रांत का दर्जा देने के बाद यहां चुनाव का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन इमरान खान की पार्टी के मंत्रियों के द्वारा क्षेत्र में राजनीतिक अभियान चलाकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर गिलगित बाल्टिस्तान मुख्य अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है और 3 दिन में इस क्षेत्र को छोड़ने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मलिक हक नवाज और जस्टिस अली बेग और 2 स्तरीय खंडपीठ ने आगामी चुनाव से पहले आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर दायर एक रिट याचिका में ये फैसला सुनाया है। अदालत ने संघीय मंत्रियों और अधिकारियों को 3 दिन में इलाका खाली करने का आदेश देते हुए गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त शाहबाज खान, मुख्य सचिव और CM को ये निर्णय जल्द ही लागू करने के निर्देश दिए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र जो कि विवादित इलाका है और इस पर भारत का हक है। पाकिस्तान के द्वारा इसे राज्य का दर्जा दिए जाने पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जबकि यहां के स्थानीय लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये लोग इस्लामाबाद के किसी भी फैसले का विरोध करते रहते हैं। वे अवैध रूप से पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र को एकीकृत करने के फैसले के खिलाफ हथियारबंद भी हैं। दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।